वो नेकरें बनेगी मैं तो एक महीने से आपको कह रहा था और ये जो इन्होंने अठारह अठारह और बीस बीस करोड़ रुपया लिया है ये दें को पना गाँव में को खैरातों में कोई यतीम खानों में क्योंकि ख़ुद तो ये इस काबल नहीं रह गए कि ये अपने हलकों में जा सकें बाईस करोड़ लोगों में से अगर बाईस लोग बीस बीस करोड़ रुपये में बिक जाएँ तो इस मुल्क की जमहूरियत का चेहरा ही मसक हो जाए ये तीन तजवीजें थी इसमें बड़ों की भी राय शामिल थी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि नंबर वन आदम एतम हो जाए नंबर टू प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दें, नंबर थ्री के मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएं। नए इलेक्शन के लिए मैं दो महीने से रो रहा हूं मैं तो एमरजेंसी की बात करता था प्राइम मिनिस्टर ने मस्तद कर दी कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी फिर गवर्नर राज भी प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि ख़त्म हो जाएगा फिर ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीटीआई के छः सात अहम अरकान पे मुश्तमिल है और एक मैं भी हूँ मैं पीटीआई में से तो नहीं अवामी मुस्लिम लीग में से एक मैं भी उसमें शामिल हूँ फिर उसमें सोच बचार के बाद ये फैसला किया गया कि इंतख का रास्ता अख्तियार किया जाए और ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा था कि अपोज़िशन ने इमरान ख़ान को मकबूल बना दिया वो लोग जो हमसे सलाम दुआ नहीं लेना चाहते थे हम चेरे पड़ते हैं जब हम हल्कों में जाते थे तो चेरों पर कोई कशिश नहीं होती थी लोगों के बस वैसे ही खाना पूरी के लिए सलाम कर रहे थे लेकिन अब लोग विक्ट्री का निशान बनाते हैं हल्के में जाते हैं मोहब्बत का इज़हार करते हैं हत्या कि कल हमारी यूनिवर्सिटी बनी वक़ारनसाह मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने पहले बनाई हुई थी जिस तरह बच्चियों ने रिस्पॉन्स दिया वो देखने के काबिल था सो अब दफ्तर मैंने छोड़ दिया ग्यारह नंबर हॉस्टल में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ पुराने हॉस्टल में चालीस साल से वो कमरा मेरे पास ही है बीच में मेरे भतीजे शेख राशि शफीक के पास गया कोशिश करूँगा पंद्रह के दिन के लिए और घर हो जाए वरना वहाँ से आप पे प्रेस से ख़ताब होगा ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है मेरे पास सिस्टम है अंदर देखने का बहत्तर चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे उनके बिज़नेस पार्टनर आ जाएंगे उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे सबसे ज़्यादा मायूसी की लहर हिंदुस्तान में आई है और सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में महसूस की जा रही है मुझे थोड़ी देर के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था लेकिन मैं बात नहीं कर सका मेरी ख्वाहिश है कि सूबों में भी पंजाब और के पी के भी इसम्बलियाँ तोड़ दीजिए ये मेरी ख्वाहिश है अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया वहाँ एक लाइन लगी हुई थी मीटिंग की और मुखसर लाइनें थी मुखसर टाइम था और मैं ये फ़ाइनल बात नहीं कर सका गुजारिश नहीं कर सका जहाँ मरकज़ में तकरीबन हज हो जाएगा ना जी नवे दिन में कि नहीं हो ही जाएगा और यही मेरी ख़्वाहिश थी कि हज के बाद इलेक्शन हो जाए और आ, रोज लोग ताना देते थे इमरान खान को सिलेक्टेड है सिलेक्टेड है कहाँ है जी अब है ना अब क्यों फरारी हो रहे हैं नवाज शरीफ लीग की एक ही डिमांड थी इलेक्शन अर्ली इलेक्शन रहमान साहब की एक ही डिमांड थी अर्ली इलेक्शन और जब बड़ों ने बीच में पढ़ के बात की तो सवाए आसफ़ जरदारी के किसी को इतराज़ नहीं था टाइमिंग पे इतराज़ ज़रूर था सो टाइमिंग नवे दिन तय हो गई है पंद्रह दिन इमरान ख़ान वज़ी अज़म रहेंगे और कानून के मुताबिक पंद्रह दिन तक हम अपनी ये घर रख सकते हैं दफ्तर छोड़ दिया और एक गाड़ी रख सकते हैं पंद्रह दिन तक इमरान ख़ान वज़ी अज़म होंगे और उनको काफ़ी सारे काम करने हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा वो सर आँखों पर होगा मैं समझता हूँ अपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई है उनमें अवाम के जाने की सख्त नहीं है और जिन लोगों ने 20 20 करोड़ रुपया खाया है उनके चेहरे सियासी तौर पर काले हो जाएंगे कालक फिर जाएगी हलकों में जाने की पोजीशन नहीं है और चेरी बलासम जो बड़े चैम्पियन बनते थे क्यों 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 अब आए मैदान में, में। आए ज़रा देखते हैं कितने बीस का सौ है इन शाह इमरान ख़ान दो तहाई अक्सरीत की वोटों से कामयाब हो के इन सारे ब्लैक मेलरों से मनी लॉन्ड्रों से और सारे फर्द जुर्म से भागने वाले फ़रवरी में फ़र्द जुर्म लग रही है और अप्रैल को वज़ी अज़म बढ़ने जा रहे हैं सो ऐसे तमाम चोरों से बड़ा चोर नीचे छोटा चोर नीचे और बड़ा चोर ऊपर इस इसमिल इस को क्या गुलामों की रियाया समझ दिया कि फैमिली निज़ामों को दोबारा बहाल लाया जाए इन आखिरी तेशा मारेगा इमरान खान और दो तही से ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब होके आएगा क्वेश्चन सर आपका सेशन खत्म हुआ उसके बाद शुरू हो गया आ, वो कहते हैं कि उम्ण... जेलों में कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब सुप्रीटेंडेंट दौरा कर जाता ना पागल भी अपनी मीटिंग करते हैं जो पुराने कैदी हैं ना तो जिस वक्त जेल सुप्रीटेंट का मुलादा गुजर जाता है ना तो वो देखते हैं सुप्रीटेंडेंट चला गया कैदी भी अपने आप को चौकी पे बैठाते हैं उसको कहते हैं सर जनाब ये ख़त्म होगी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें क्या होता है इस तरह मुल्क चलते हैं ये याद सादक साहब हफ्ते में दो दफ़ा लंदन जा रहे थे दो दफ़ा नवाज शरीफ से दो दफ़ा नवाज शरीफ से ले के आ रहे थे महीने में और मुझे अंदाज़ा है कि मरियम बीबी पे क्या गुजर रही होगी कि किस बुरे तरीके से मैं आपको कहता था ये ग़लत शॉट खेलने जा रहे हैं मैं आपको ये कहता था इससे इमरान ख़ान मकबूल तरीन लीडर बन जाएगा और ये सारे नमक की कान में लग जाएंगे बिल्कुल वैसे ही हुआ है आ, जी को देखिए मुझे नहीं पता लगा या नहीं लगा पार्लियामेंट नारों की जगह नहीं है लेकिन आ, पाकिस्तान में ये नारा जो है स्कूलों से लगता आ रहा है गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो अमेरिका के ख़िलाफ़ लगता आ रहा है है जी कोई पाकिस्तान में नारा नहीं बदला वोटें जिसको मर्जी दें नारा तो ये लगता ही आ रहा है दो हजार अठारह से बहुत ज्यादा वोटों से विन करेगी पी टी आई मिया साहब को मैंने आज भी कहा पासपोर्ट हाजिर है, है। आए वो बीमार हो गए अल्लाह ही रहम करे अब तो वही जाना है हमें अगर जहर थोड़े से दिन वो तो तैयार बैठे थे उन्होंने टिकट बनवाई हुई थी कि यहाँ से जिद्दा जाएंगे जिद्दे से पाकिस्तान आएंगे साग डार भी नाती धोती तो पंजाबी में सुना नाती धोती तो मक्खी बह गई नवाज शरीफ और साग डार से यही हुआ है कि नाती धोती तो मक्खी बह गई आए जनाब आपका थोड़े दिन कैद काट ये इसी तरह सऊदी अरब की वही स्ट्रेटजी दोहराई जाने वाली थी बाकी अल्लाह को पता गैब का मुल्क गैब का फैसला तो अल्लाह जाता है अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है इस वक्त को कौम में बहुत ज़बरदस्त खुशी की लहर है कि इमरान खान पंद्रह दिन और वज़ी अजम रहेंगे और नब्बे दिन बाद इलेक्शन होंगे राइट थैंक यू खान साहब देखिए सियासत में अब माशा के हालात नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान की अजीम फ़ौज है उनकी सब तरफ नज़र होती है कल आप देखें कि इस रेड जोन को ये चेरी बलासम जाके इस्लामाबाद की इनकी टीम मिली और नौ हज़ार लोगों को दो हज़ार रेंजर्स बुलाएँ दो हज़ार एफ सी बुलाई है एक हज़ार कॉन्स्टेबलरी बनाई है और नौ हज़ार पुलिस बीस हज़ार बंदे हमने एक सौ बहत्तर आदमियों के लिए बुलाए हैं कि ताकि कल ये कोई ना कहे कि इनको उठा के कोई ले गया था ये लहजा गल है कि स्पीकर की रूलिंग ने इन सब पे पानी फेर दिया तैयारी क्या की थी देखे ना मेरे महल में एक पागल फिरता है लाल वैली के आगे आप कभी आए ना तो शाम तो सदर आ गया हो जी सदर आ गया जी जी ख्वाहिश हो देखे ना कई ट्रैफिक से बेचारे रिटायर हो जाते हैं उन चौकों में ही रहते हैं ये सारे चले हुए कारतूस हैं मैं आपको पिछले चार साल से कह रहा था कि नून लीग इकतदार में नहीं आती असल मसला आसफ़ जरदारी का है उसकी सोचों पे भी पानी फिर गया है और फजल रहमान साहब का तो ये महीना ठीक है तरावियाँ शरावियाँ पढ़ाएँगे